आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जिस तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उसके साथ उनके समर्थन में देश भर में आज डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। आईएमए ने बकायदा इसकी कॉल दी कि 12 घंटे की हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ वो तस्वीर है आईएमए हेडक्वार्टर की। यहाँ पर किस तरह से डॉक्टर्स बैठे हुए हैं हड़ताल पर, तो वो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि यहाँ जो आप देख रहे हैं आईएमए हेडक्वार्टर की ये तस्वीर है। और यहाँ पर अलग अलग विंग के आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके अलावा मैं अगर दिल्ली की ही नहीं बल्कि मैं अलग अलग शहरों की बात करूँ, चाहे मैं लखनऊ की बात करूँ या फिर मैं रांची की बात करूँ या चंडीगढ़ की बात करूँ, तमिलनाडु, चेन्नई, सभी जगहों पर आज डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। सर आप हमारे साथ जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, सर क्या आज डॉक्टर्स जो हैं वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में इसका कितना असर है, क्या रेजिडेंट डॉक्टर्स आपके साथ? देखिए आज एक एक सिंबॉलिक वो है, आज हमने किसी भी तरह की कोई स्ट्राइक का आह्वान नहीं किया। हमने आज यहाँ पे केवल अपने जो मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क और जूनियर डॉक्टर नेटवर्क के एजेस के अंडर ये प्रोग्राम किया था, एक सिम्बॉलिक, चूँकि वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स के साथ हम लोग साथ खड़े हुए नजर आना चाहते थे। और इसी के चलते हमने अभी आज कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया है। और जैसे हमने बताया एक सिंबॉलिक आज प्रोटेस्ट था हमारा इस मामले में। तो ये सर 6-6 आप जी इट्स ए फास्ट बेसिकली, इसे मैं हंगर स्ट्राइक शब्द नहीं कहना चाहूँगा, ये सिर्फ एक सरकार का ध्यान आकर्षित करने का तरीका है कि ऐसा ना हो कि ये बात और ज़्यादा बढ़ जाए या हमारे वेस्ट बंगाल के जूनियर डॉक्टर मित्र हैं कोई हादसा हो जाए और अननेसेसरी किसी की जान चली जाए, बहुत ही दुखद घटना होगी। तो वहाँ पर जिस तरह से कुछ डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे आमरण अनशन पर थे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स इतनी इस स्थिति में पहुंच गए हैं आज की वो आईसीयू तक पहुंच गए। जी यही तो बड़ी दुखद बात है। अगर आप देखा जाए तो आज 10वां दिन है हड़ताल का। सरकार ने क्या किया उन 10 दिन में उस हड़ताल को ख़त्म कराने के लिए, या कुछ ऐसा कोई उन्होंने माध्यम चुना? कल चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग थी, वो भी इनक्लूसिव रही। इसका हमें तो लगता है ये पॉलिटिकल वेली नहीं है सरकार की, जो इस हड़ताल को ख़त्म कराना चाहते हों। अगर आप 10 पॉइंट्स को विश्लेषण करें तो 10 के 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो डूएबल हैं, जो बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। कोई उसमें बहुत बड़ा कोई किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्प की ज़रूरत नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं, रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं। आप मुझे बताइए सेफ्टी सिक्योरिटी लाने के लिए किसकी परमिशन की ज़रूरत है? ममता सरकार चाहे तो कर सकती है। सीसीटीवी लगाने के लिए किसकी ज़रूरत है? अगर वहाँ पे कुछ वैकेंट पोस्ट हैं उनको भरने के लिए उनको किससे परमिशन लेनी है? वो तो खुद ही करना है ना उनको। क्या वो सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के उनको इंटरवेंशन की ज़रूरत है? ये तो सब बातें डूएबल है मेरे समझ से। थैंक यू सो मच। तो ये हैं डॉक्टर प्रकाश लाल चंदानी, और यहाँ पर जो और भी डॉक्टर्स जो उनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लग रहा है, सारे जो मैं अलग अलग दिल्ली के अस्पतालों की बात करूँ तो यहाँ पर क्या रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन आज उनका असर दिख रहा है हड़ताल का? बिल्कुल जी, सारे दिल्ली के डॉक्टर्स सारे अस्पतालों में या फिर मेडिकल कॉलेजेस में या फिर आईएमए की बिल्डिंग्स में आज हर जगह हड़ताल बुलाई गई है। सारे डॉक्टर्स एक साथ खड़े हैं, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, जूनियर डॉक्टर्स सब एक साथ खड़े हैं, और सबकी एक ही डिमांड है कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। कल को जब सारे मेडिकल स्टूडेंट्स रेजिडेंट बनेंगे या फिर जो रेजिडेंट हैं, क्या वो सब सेफ हैं? नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले की एक घटना है, जीटीबी हॉस्पिटल में आके गोली चली है। क्या अगर हॉस्पिटल के अंदर गोली तक चल सकती है तो मर्डर तो बहुत आम बात हो गई। उधर बंगाल में जो हुआ उसका असर क्या बाकी जगह नहीं पड़ रहा? और हम ये हड़ताल जारी रख रहे हैं पर अभी तक हमने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया है जिससे एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज बंद हों। पर अगर इस चीज़ पे सुनवाई नहीं होती है, जस्टिस नहीं होता है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें एक ऐसा स्टेप शायद लेना पड़े कि एसेंशियल सर्विसेज भी बंद करें, और उसके बाद जो कैजुअलिटी होगी उसकी रिस्पॉन्सिबल शायद सिर्फ और सिर्फ बंगाल सरकार होगी और कोई नहीं। मैम आप क्या कहेंगे, आपने अपने हाथ में जो ले रखा है तख्ती उस पर लिखा है अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको क्या लगता है क्या कुछ है जो आपको लग रहा है कि वो अभी नहीं हो पाया? इससे ज़्यादा क्रूशियल डॉक्टर के साथ नहीं हुआ था, डॉक्टर ने सुसाइड किया था पेशेंट की वजह से, जयपुर में हमारी बहन डॉक्टर। लेकिन अभी जो हुआ, आप एक महिला हो, बेटी हो हमारी, और बेटी के साथ हुआ है, आप समझ सकते हो क्या हुआ है। नहीं रिपीट करना चाहती उन सब चीज़ों को। तो कब होगा? आज भी डॉक्टर को नहीं मिलेगा
सुरक्षा तो कब मिलेगा? अपने ही जगह पे, अपने ही ड्यूटी पे महिला डॉक्टर के साथ इस तरह जर्जरता हुआ तो कौन सेफ है? आप सेफ हो, मैं सेफ हूँ, क्या हिंदुस्तान की कोई बेटी सेफ है जब डॉक्टर ही सेफ नहीं है? तो अभी नहीं तो कभी नहीं। आज के दिन में 67 डेज हो गया आज तक, सरकार तो भ्रष्ट सरकार है, बंगाल का सरकार तो छोड़ ही दो, वो तो कुछ भी करने को तैयार नहीं, जो आप सबको पता ही है। हम तो कहते हैं अपने जो हमारे सेंटर में सरकार है उनको भी उसको देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। बच्चे 11 दिन से उनकी वजह से भूखे, उसके बाद सब सेवा दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, जैसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया हम सब काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मन को अंदर से भावभीनी होकर कि सारा काम दे रहे हैं कि कोई मरीज परेशान ना हो। हम हेल्थ के लिए, हम सेवा के लिए, हम देश के लिए हैं, पब्लिक के लिए है, स्वास्थ्य सेवा के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं सोच रहा है, देश नहीं सोच रहा है। अब उनको आप सुरक्षित नहीं रह रहे, जो आपको सुरक्षित रखेगा कैसे होगा? आप हम दुखी मन से आपका इलाज कैसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं? आप सब दुखी हैं, आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग जस्टिस करवाइए, सुप्रीम कोर्ट सरकार को लाइए, आप लोग ही हमारी बातें वहां तक पहुंचा पाओगे, हमारी दर्द हमारी बातें, यही रिक्वेस्ट है, धन्यवाद। देखिए आज IMA के हेडक्वार्टर पर ये धरना प्रोटेस्ट हुआ और ये आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नेशनल कॉल थी हंगर स्ट्राइक की। सभी जगहों पर देश भर में अलग अलग जगहों पर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने बाकायदा आज भूख हड़ताल पर रहे और ये यहाँ पर IMA के जो हेडक्वार्टर पर आज के बाद अगर इसमें अगर अब जस्टिस नहीं मिला लेडीज को, अब फीमेल्स को जस्टिस नहीं मिला तो वो अंडर प्रेशर एक तो काम नहीं कर पाएंगी, आपको ट्रीट नहीं कर पाएंगी और हो सकता है इन फ्यूचर पेरेंट्स अपनी बेटियों को अपने बेटों को डॉक्टर बनाने से ही रख जाएं तो फिर क्या होगा इस प्रोफेशन का? व्हाट विल हैपन? हु विल प्रोवाइड द हेल्थ सर्विस? अगर सेवियर ही सेव नहीं है तो हो सकता है पेरेंट्स अपने बच्चों को बनाए ही ना, इस प्रोफेशन में ही ना भेजे, पेरेंट्स भी डरे और बच्चे भी डरे, या अंडर प्रेशर वो आपको क्या ट्रीट कर पाएंगे? जो अपने सिक्योरिटी के लिए डर कर कुर्सी पे बैठा है, ट्रीटमेंट के लिए बैठा है रात को, वो क्या करेगा? छोटी छोटी डिमांड्स हैं, CCTV कैमरा के स्टाफ को बढ़ाया जाए, जहां भी CCTV फुटेज को कवर अप किया जाए, अलार्म बटन्स लगाए जाए जगह जगह, फीमेल डॉक्टर के साथ एक मेल डॉक्टर की और एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगाई जाए, इस पर बड़ी डिमांड्स, वी कैन कवर इट। और जो हुआ है इतना उसका मतलब उस पर इतना बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि आगे से कोई करने से पहले सोचे और जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि वी आर सेफ, हमारे साथ कुछ भी होगा तो उसका एक्शन होगा, हमारी सरकार लेगी, उनके अंदर ये ट्रस्ट आए अपनी सरकार को लेकर, अपने हॉस्पिटल को लेकर। ये नहीं है कि वो डर कर बैठे हैं, उनके साथ कुछ भी हो जाए कोई करने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर बहुत एक्शन लेना चाहिए और आप लोगों को हमारी सबकी हेल्प करनी चाहिए, हमारी आवाज बार बार पहुंचानी चाहिए कि हम लोग गलत नहीं है। अगर हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग नॉन इमरजेंसी सर्विसेज बंद करके बैठे हैं तो वी आर नॉट रॉन्ग, आप लोगों को ये बात जनता तक पहुंचानी है। थैंक यू। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर हैं उनकी सिर्फ एक मांग है, वो है हॉस्पिटल में एक सेफ एनवायरनमेंट की मांग कर रहे हैं। ये इनका कहना है कि कोलकाता में जो घटना हुई उसको 67 डेज हो चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ भी जो मांगे थी डॉक्टर्स की उस पर अभी कोई भी अमल होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई भी मांग जो डॉक्टर्स की थी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए आज डॉक्टर्स को यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। तो हमारे साथ जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर RV अशोकन हैं जो कि IMA के, सर क्या लग रहा है आपको कि क्या आज की आपकी जो हड़ताल है ऑलरेडी कोई नहीं सर आप इंग्लिश में बता दीजिए मुझे, क्या ऑलरेडी टास्क फोर्स बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, उनके इंटरवेंशन के बाद, तो क्या फिर से डॉक्टर्स को आज हड़ताल पर क्यों आने की जरूरत पड़ी? व्हाई? आई थिंक दीज आर टू इश्यूज, how the nation responded to abaya is a different issue. Indian Medical Association also called for withdrawal of services for 24 hours. The Supreme Court intervened and we accepted that. National task force was formed, we went over to national task force, we submitted our documents, we are in the Supreme Court with an IA also, we are participating, even today IMA is there. What is happening in West Bengal is different. And what we are asking in West Bengal is because of the residents, they went back to work and found the same situation of threat culture, of fear in the hospitals, of victimization. Then they understood that unless
infrastructural changes, changes in the human resources happen. So today's our symbolic protest is identifying with a hunger strike in Kolkata, which has entered the 11th day, which is indefinite, and five of them are very critical in ICUs. And today, the medical fraternity of the country, through our resident doctors in all the medical colleges of the country, are fasting. There is symbolic fasting going on in 706 medical colleges. To put a moral pressure, we have not withdrawn services anywhere, we have not disrupted anything, but we want to put a moral pressure on the West Bengal government. So we appeal to the West Bengal government that they should accept the demands of the fasting doctors. थैंक यू सो मच सर. तो ये नेशनल प्रेसिडेंट हैं आईएमए के डॉक्टर आरवी अशोकन. इन्होंने कहा कि हम आज जो हमारी हंगर स्ट्राइक है वो एक तरह से मॉरल प्रेशर के लिए हमने किया है, और हम जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं उसमें से कुछ छात्र आईसीयू तक पहुंच गए. उस उनकी मांगों को लेकर उनके समर्थन में उनकी सॉलिडारिटी में आज जो हंगर स्ट्राइक है वो की गई. आज ये फिलहाल सिम्बॉलिक है, लेकिन डॉक्टर से भी बोल रहे हैं कि अगर इस पर उनकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब फिर वो आगे जो इमरजेंसी सर्विसेज अभी फिलहाल बंद नहीं की गई हैं, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि यहाँ तक भी डॉक्टर्स पहुँच जाएँ कि उनको इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करनी पड़े. कैमरा पर्सन विपुल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली.